इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। तो पहले उसका लेआउट बना लेते हैं, है ना, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो ब्लूप्रिंट में मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, तो 4 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 सेल हैं और बैटरी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो वो 4 वोल्ट की है अप्रोक्सीमेट, ठीक, थोड़ा कम ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल। तो 2 2 वोल्ट के 2 सेल हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 सेल हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें एक हम स्विच लगाएंगे, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। फिर उसमें एक हम यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 वोल्ट का है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर, वो बल्ब नहीं है, एलईडी है बेसिकली, ठीक है। तो उसको बल्ब की तरह ही ले रहे हैं हम, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो वो 12th वालों के लिए है, तो हाई स्कूल तक के लिए बस इसको बल्ब की तरह हम मान के चलते हैं। फिर इसमें रेसिस्टर कनेक्ट करूँगा, तो 40 ओम का रेसिस्टर है मेरे पास, है ना। फिर एक 40 ओम का एक और रेसिस्टर है, ठीक, और एक और 40 ओम का रेसिस्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब रेसिस्टर जो हैं सीरीज 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 में कनेक्ट करेंगे और इस सर्किट को इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास है एक ब्रेड बोर्ड, ठीक है। तो ब्रेड बोर्ड में इसमें इसको समझो, जो इसकी जो ये वाले हैं कॉलम, ठीक है, जो इसमें कॉलम लाइन है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। एक कॉलम दूसरे के कॉलम के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना कोई रो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कॉलम जो है सिर्फ वही आपस में कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो रेसिस्टर हैं, ये बेसिकली ये 40 ओम 40 ओम के 2 रेसिस्टर हैं, ये तीसरा है। तो अगर मैं इस कॉलम से इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको इसके साथ, तो ये सब सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में अगर कनेक्ट करने होते हैं तो सबके जो टर्मिनल हैं, सही है, तो वो सब आपस में टाइट टुगेदर करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक टर्मिनल आप दूसरे टर्मिनल के साथ, और दूसरा जो रेसिस्टर है उसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको तीसरे रेसिस्टर के पहले टर्मिनल के साथ, और जो उसका जो रेसिस्टर, जो उसका टर्मिनल है तीसरे रेसिस्टर का, उसको कनेक्शन के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीनों ये मैंने पैरेलल में लगाए हुए हैं, सॉरी सीरीज में लगाए हुए हैं। तो इसके साथ, ये इसके साथ, और इसके साथ, ये बिल्कुल इसी तरह 40 ओम 40 ओम 40 ओम, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं सीरीज में हैं, ठीक। आप इसको वैसे भी कनेक्शन कर सकते हैं कि आप इसको इसके साथ इस तरह इसको माइंड कर दें, ठीक है, इस तरह इसको टाइट टुगेदर कर दें, इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ब्रेड बोर्ड ये कनेक्शन ही प्रोवाइड करता है, तो इसमें ज़्यादा फिजिकली तो मेहनत जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद मेरे पास है बैटरी, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। ये प्लस वाला टर्मिनल है जो रेड वाला है, और ये माइनस वाला टर्मिनल है, इसमें माइनस लिखा हुआ है, ठीक। ये बैटरी, ये मेरी यहाँ पर बल्ब है, ठीक है। तो एक स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। तो ये ऐसा है जैसे पेन को करते हैं ना, उसको टिक टिक टिक, वो टिक टॉक वाला जो पेन है, ठीक, एक बार उसको प्रेस करते हो तो उसमें वो लिखने के लायक हो जाता है। अगर उसको एक बार प्रेस करो फिर वो अंदर चला जाता है, इस तरह का। तो ऐसा ही है, इसको एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कनेक्शन ओपन हो गया। इसको एक फिर प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो गया, ठीक है, अब ये ऑन कर देगा। तो अब इनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं जो पावर वाली लाइन है उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक, अब ये दूसरा है, दूसरा टर्मिनल स्विच का, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा बैटरी हो गई, इसके साथ की कनेक्ट कर दिया, बल्ब के साथ ये कर दिया। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है रेसिस्टर के साथ। तो इसका जो टर्मिनल है इसको मैं इस कॉलम में कहीं पर भी इसको इंसर्ट करा दूँ, तो ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब ये फ्री है, ठीक है, इसको कनेक्ट करा दूं इसके साथ, ठीक है। अब इसको अगर प्रेस करता हूं तो बल्ब ऑन हो गया, ठीक।
ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें सीखने के लिए हैं, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें सीखने के लिए हैं, एक तो हमें ईएमएफ का पता करना है, तो मेरे पास ये मल्टीमीटर है, ठीक। तो ईएमएफ क्या होता है, जब आप बैटरी को, जो आपका वोल्टेज सोर्स है, उसको कनेक्ट नहीं करते हो, उससे कोई करंट नहीं ले रहे हो, वो सर्किट में कनेक्ट नहीं है, तो वो जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक। तो अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, तो इसको पहले सेट करते हैं, ये मल्टीमीटर है, इसको सेट करते हैं 20 वोल्ट पे। इसकी रेंज है 4 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट से ज़्यादा, 20 वोल्ट से कम, तो 20 पे सेट करेंगे, ठीक। अब मैं इसको मेज़र करता हूँ, इसकी जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, तो 3.96 वोल्ट है, ठीक। तो 3.96, जब इसको ऑन करता हूँ तब कितनी वोल्ट आती है, तो देखते हैं, 3.94, ठीक, 3.94। और जब इसको ऑफ करते हैं तब आती है 3. अब 9596 हो गए, 3.96, ठीक है। तो 0.02 वोल्ट का जो है यहाँ पर इसमें ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ है बैटरी का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो है हमारा 3.96, ठीक। जब इसको आप इससे करंट लेते हो तो इसका जो वो वोल्टेज हो जाता है 3.94, ठीक। अब रेसिस्टर को देखते हैं कि रेसिस्टर कैसे करंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 3.93 इस टर्मिनल पे, जब ऑफ करते हैं तब कितना आ रहा है, 3.96। तो इस टर्मिनल पे ले रहे हैं तो वो 1.01 वोल्ट और कम हो रहे हैं, ठीक है। अब रेसिस्टर का मेज़र कर लेते हैं, तो रेसिस्टर को अगर मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, ठीक है। तो मैं अब ये ओपन सर्किट है बेसिकली यहाँ से, तो मैं इसका रेसिस्टेंस मेज़र कर सकता हूँ। तो रेसिस्टेंस जो है मैंने 40 ओम का लगाया है, तो मैं इसको 200 पे, तो एक का रेसिस्टेंस मेज़र करता हूँ, 38.3, ठीक है। तो नियर अबाउट 40, तो अगर कहीं 40 ओम का रेसिस्टर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका प्लस माइनस भी होता है, तो उसकी जो कलर कोडिंग है उसको समझेंगे और फिर देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे 40 40 ओम के रेसिस्टर हैं मेरे पास, ये 38.3, ये 38.2, ठीक है, ये सब रेसिस्टर हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, अब देखते हैं कि जो रेसिस्टर से करंट कैसे कंट्रोल होता है। तो इसको कनेक्ट करता हूँ मैं, अब अभी तक तो था ये तीनों रेसिस्टर थे सीरीज में, अब मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ इस रेसिस्टर को, तो अब मैं इसको कनेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको देखते हैं कि बल्ब की जो इंटेंसिटी है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से डिफरेंस देखो, और यहाँ पर और ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, कैमरे में ये देखो कि आपको जब इसके जो इसका ये बल्ब जब ग्लो होता है तो कितना पोर्शन जो ब्रेडबोर्ड के जो हैं ये होल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर बढ़ गया, कुछ और दिखने बंद हो गए, तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लाइट की, इसके बाद और बढ़ गई, और इसके बाद और बढ़ गई, ठीक है, ठीक। तो पहले मैंने 40 ओम को बाईपास करा, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट किया, इस 40 ओम को बाईपास कर दिया, फिर इसको सीधा सीधा मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही इस बल्ब की जो ग्लोइंग जो इंटेंसिटी है, जो लाइट इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब है रेसिस्टर कंट्रोल कर रहे हैं किसको, करंट को, ठीक। तो इसमें अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर इन पैरेलल, और कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट का डेमोंस्ट्रेशन हो गया, इसको कैसे कनेक्ट करना है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।